हर साल की तरह इस बार भी देश में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ की तबाही भी शुरू हो गई है। असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे कई राज्य फिर भारी बारिश और बाढ़ के हालात का सामना करने लगे हैं। यूपी और बिहार में भी अब बाढ़ की आशंका जताई जाने लगी है और प्रशासन द्वारा इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पिछले कई दशकों से सरकारों की ओर से बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई प्लान और दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसका कोई फायदा दिखता नहीं है। असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, उनके घर, मकान और दुकान सब डूब चुके हैं। नाव ही उनके यातायात का अब आखिरी सहारा बची है। दिल्ली मुंबई की सड़कें भी पानी में डूबी दिखने लगी हैं और निचले इलाकों के घरों के ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी घुसने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की तबाही झेलने को फिर मजबूर हो गए हैं। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां फिर उफान पर आने लगी हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर मानसून आने के साथ ही यही नजारा दिखता है। दरअसल में चक्रवाती तूफान, बाढ़, बेहिसाब बारिश, हमारी भौगोलिक स्थिति कहें या क्लाइमेट चेंज का असर, लेकिन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों की तरह भारत भी दुनिया में बाढ़ की तबाही झेलने के मामले में सबसे खतरनाक जोन वाले देशों में शामिल है। देश की कुल भूमि का आठवां हिस्सा यानी कि तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। भारत में 39 करोड़ आबादी बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में रहती है। भारत में औसतन हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, 1600 लोगों की जाने जाती हैं। साथ ही बाढ़ के कारण फसलों व मकानों तक जन सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए औसतन होती है। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात दिख रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 1952 से 2018 के 65 सालों में देश में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। असम, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। विशेषकर बिहार की करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां, जिनकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार की ओर आ जाता है। बिहार के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अवधारणा, ये कई ऐसी नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती उससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बन जाती हैं। देश के कई रिवर बेसिन तबाही के इलाके साबित हुए हैं। हर साल सूखे दिनों में लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बरसात में आने वाली बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। इसी के साथ किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ सबसे अधिक तबाही का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं में से देश में होने वाले नुकसान में बाढ़ की हिस्सेदारी करीब 50% है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।